खबर मध्य प्रदेश से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने नई शराब नीति को लेकर कमलनाथ के दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को शराब पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए अलग से सोफ बार खोलने, शराब की होम डिलीवरी कराने की हिमायती कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने नर्मदा किनारे की 64 शराब दुकानों को एक साथ बंद कराने के आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, प्रदेश भर में शराब दुकानों के बगल में चलने वाले अहाते भी बंद कराकर लोगों को शराबखोरी से विमुक्त करने की पहल की। वहीं 10 सालों में एक भी शराब दुकान नहीं खोली गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पिछड़े वर्ग संगठन से जुड़े कई लोग जातिगत जनगणना की प्रदेश में मांग कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। कमलनाथ सिर्फ लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने जाति गत जनगणना की मांग पर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो महिलाओं के लिए अलग से सोप बार खोल रहे थे। ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब की। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है कि 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली है। 64 दुकानें नर्मदा किनारे की हमने बंद कर दी मध्य प्रदेश के अंदर, और अभी मध्य प्रदेश के सारे अहाते बंद कर दिए। ऐसे निर्णय जिनसे शराब से पीने से लोग दूर हों, वो निर्णय सिर्फ शिवराज सरकार कर रही है।